दोस्तों नमस्कार, भूगोल की खगोलती बातों में आपका फिर स्वागत है। आज के दिन की खास चर्चा करेंगे। आज का दिन है मकर संक्रांति। अपने ही खास विशेषता के लिए भारतवर्ष में जाना जाता है और आज ही का दिन भूगोल के संदर्भ में यानी कि ज्योग्राफिकली भी इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लास्ट तक देखते रहिए, उस पर भी खास बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन मनोरम दृश्य को। आप ये देख रहे हैं, ये बादलों का ही नज़ारा है और किस तरीके से सूर्य अपने प्रकाश से एक प्रयास कर रहा है इन बादलों के बीच से एक लालिमा लिए हुए। तो सबसे पहली बात तो है ज्योग्राफिकली कि मॉर्निंग में जब सनराइज़ होता है तो उस समय रेडिश कलर लिए हुए होता है। तो ये ख़ास बात है। इसका रीज़न है कि डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये रेडिश कलर हमें मॉर्निंग में दिखाई देता है और ऑरेंज कलर सनसेट के दौरान दिखाई देता है। आप ये देखिए, ये खास आज का नज़ारा है बादलों का। दूर दराज देखें पतंगे किस तरीके से लहला लें, सुबह 4 बजे से ही लग गई है। ये है आज के दिन की खास। आप ये देखिए, ये देखिए एक आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है बादलों का, किस तरीके से कवरेज कवर हो रहे हैं बादल। आप ये देखिए पूरी तरीके से। और बात करेंगे ज्योग्राफिकली, अगर बात करें तो आज मकर संक्रांति है, उत्तरायण कहते हैं इसको, बिहू कहते हैं असम में, पोंगल सदर्न इंडिया में जाना जाता है, इसी तरीके से पोस बंगाल में कहा जाता है। तो आज के दिन की कुछ खास रिचुअल्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल है, ऑस्पिशियस ऐसा डे होता है, होली बात की जाती है, गंगा है, यमुना है, धार्मिक अपने पापों को भुलाने का, उनको मिटाने का एक अच्छा पर्व है, दान पुण्य का पर्व है विशेष रूप से। और पंजाब में लोहड़ी है, कल लोहड़ी सेलिब्रेट की है, पहली जो आपकी फसल है वो तैयार होने को है। और इस तरीके से ये खास पर्व है भारतीय हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। अब बात करेंगे 2 मिनट ज्योग्राफिकल इसके फैक्टर पे कि इसको मकर संक्रांति इसलिए कहा जाता है कि जो ज्योग्राफिकली जो सन है वो नॉर्थवार्ड शिफ्ट हो गया है, इट मींस इट लीव्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा को छोड़कर यह है मकर रेखा में प्रवेश कर चुका है, मकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में प्रवेश कर चुका है। और अब ये अपनी यात्रा पूरी करते हुए, हमने आपको बताया था गत वीडियो आपने देखा जब 22 दिसंबर को मैंने उसको बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, नॉर्दर्न इंडिया में विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है, नॉर्दर्न पार्ट में विंटर सीजन, पर सदर्न में क्या है वहाँ पर समर सीजन यानी कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका की बात की थी, अर्जेंटीना की बात की थी, वहाँ समर स्टार्ट हो चुका है। तो अब जिस तरीके से ये पूरी अपनी यात्रा करते हुए यानी कि टोटल 22 दिसंबर से 21 मार्च तक की जो यात्रा है यानी कि ये 89 दिन की 89 डेज की पूरी यात्रा करेगा सन, और फिर वापस से कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा से फिर चलते हुए कहाँ आएगा, इक्वेटर पे आएगा। तो इक्विनॉक्स होगा जो 21 मार्च को वापस आपसे रूबरू होंगे, एक नए चर्चा के विषय, क्योंकि उस दिन होगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स की बात करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीजनल चेंज का एक रोटेशन है जिसके बारे में हम आपसे बात करते रहते हैं। आप ये देखिए मिनटों में ही किस तरीके से बादलों का नज़ारा ही बदल गया, यही तो खास बात है ज्योग्राफिकली। अब देखें तो कुछ ही पलों में ही उन बादलों को एक तरफ आप देखेंगे किस तरीके से ये बदलाव देखने को आपको मिल रहा है। ये पतंगों का नज़ारा आप देखिए, लोग अपने ही आबो हवा में आज के दिन के ले रहे हैं मज़े, आप लोग भी मज़े लीजिए। इसी के साथ हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी बिहू टू ऑल टू माई फ्रेंड्स। इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, नमस्कार।